काफ़ी वक्त के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ और सुबह सुबह जो है हम क्रूज़ ले रहे हैं। एक्चुअली तो बहुत सारी फेरी से हम लोग इधर उधर गए हैं, लेकिन ये काफ़ी बड़ा क्रूज़ है, अमेरिकन क्रूज़ है। नॉर्मली ये अलास्का में सेल करता है, उनकी जो क्या बोलते हैं ग्लेशियर्स होते हैं, जैसे पिघलते हैं तो वे वापस चले जाते हैं। तो अभी जो है वो एशिया में आए हुए हैं, तो हमने जो बुक किया है 4 days 3 nights का क्रूज़ का नाम है कैरिबियन रॉयल कैरिबियन स्पेक्ट्रम ऑफ द सीज। तो सुबह 5 बजे हम लोग बस से जाएंगे यहाँ मलेशिया से सिंगापुर, और सिंगापुर से जो है ये जाएगा इंटरनेशनल वाटर में, फिर पिनेंग, और वापस ऐसे ही फ्लाइट ऐसे ही चल करता वापस आएगा। तो 3 दिन 3 रातों का है, 4 days and 3 nights। और अभी सुबह सुबह जो है हमको जग के 5 बजे बस से हमको जो है जाना है, तो देखता हूँ अगर सुबह सुबह क्योंकि इतनी हेक्टिक होगा, अर्ली इन द मॉर्निंग है टू गेट अप, सो अदरवाइज़ मैं आपको थोड़ी थोड़ी झलकियाँ जो है बीच बीच में मैं अपने लाइफ की जो शेयर करता रहूँगा, ताकि एक तरह के साथ डॉक्यूमेंट्री सी बन जाए, ताकि यादगार रहे मेरे लिए और जो कुछ देख रहे हो उनके लिए। अभी हम लोग जो है बस पे हैं और हमने मलेशिया का बॉर्डर क्रॉस करके सिंगापुर पे एंटर कर लिया है, और जो क्रूज़ का जो डॉकिंग है, जो टर्मिनल है, उसके बिल्कुल करीब है। कुछ ही मिनटों के बाद हम जो है क्रूज़ के अंदर जो चेकिंग प्रोसेस जो भी होती है, हम थोड़ा सा शॉर्टकट करेंगे क्योंकि इमिग्रेशन में बहुत देर हो गई है, हम लेट हो गए, तो शायद हो सकता है कि मैं पूरी डिटेल से वीडियो ना बना पाऊँ, तो कुछ मैं इसकी कुछ क्लिप्स आपको दिखाता रहूँगा बीच बीच में। 3 days 2 nights, no, 4 days 3 nights। हम बिल्कुल पास में, तो मैं जो प्रोसेस को स्किप करके आपको मैं अंदर क्रूज़ के ही जियो ऐप को दिखाऊँगा। भूख बहुत लगी है, सुबह 5 बजे से प्रोसेस पे थोड़ा सा खाते हैं, फिर आपको मैं थोड़ा सा इसका हाईलाइट दिखाता रहूँगा क्रूज़ के अंदर क्या है। ये क्रूज़ का रूफ टॉप है और शायद वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग प्लेस, यहाँ पे आपको समुंदर का जो सही नज़ारा है यहाँ से नज़र आता है। अंदर तो ऐसा लगता है शॉपिंग मॉल है, ऐसे तो आप किसी होटल में रह रहे हो, तो आप जैसे ही आपके रूफ टॉप में आते हो तो लाइफ हैपनिंग आपको नज़र आती है, स्विमिंग पूल हैं, जकूजीस हैं और ये तरह की एक्टिविटीज़ हैं। तो लेट मी टेक यू अराउंड, आज पहला दिन है और मैं भी एक्साइटेड हूँ क्या क्या है और क्या क्या नहीं है, क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक, सो देखते हैं, मेरे साथ आप ही इंजॉय कीजिए। अभी जो है ये टर्मिनल ही है सिंगापुर का, और स्लोली स्लोली जो लगता है मूव कर रहा है, तो ये पूरी रात जो है मूव करता रहेगा। और कल दोपहर 4 बजे जो है फिर मलेशिया के ही एक अलग स्टेट में पिनांग नाम का वहाँ पर डॉक करेगा, तो तब तक के लिए लेट्स एक्सप्लोर व्हाट इज़ इनसाइड दिस शिप। हमारे पास तो मेन्यू है था और हाईलाइट्स थी, मेन्यू जो रेस्टोरेंट्स की और आल्सो हाईलाइट्स क्या क्या है, फुल ऑफ एक्टिविटीज है, हर एक आदमी के लिए हर एक चीज़ है, बूढ़ों के लिए, बच्चों के लिए। तो आप थिएटर से अंदर 2 से 3 थिएटर से शो से लॉट ऑफ एक्टिविटीज हैं, आप जो है 1 मिनट के लिए भी बिना कुछ किए रह नहीं सकते, तरह तरह की चीज़ें। आपको स्विमिंग करनी है या फिर इंडोर गेम्स हैं आपके बच्चों के लिए, अगर आप एक उम्र में हैं और ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते हैं, तो आपके लिए भी बहुत कुछ है यहाँ करने के लिए। इट्स अ फुल ऑफ एक्टिविटीज़। खाने की तो बात ही मत करिए, 12 से 13 रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ आपका मन करे, बुफे हैं, फाइन एंड डाइन रेस्टोरेंट्स हैं, आपको दोनों में से जहाँ भी आपका मन करे आप जा सकते हो, जिस भी रेस्टोरेंट में आपका दिल करता है आप जो है खा सकते हो, ऑल इंक्लूडेड। ये है हमारा कैबिन,
lost in your eyes, under your spell. Oh, it's like we've always known it. Even though it's new, I can already tell. Oh, that this feeling is taking over. ये मेरा पहला एक प्रॉपर क्रूज है, काफ़ी बहुत बड़ा क्रूज है। आपको खाने की हर चीज़ यहाँ पे मिल सकती है और साथ में जिमनाइजियम भी है। फुल डे आपको कुछ ना कुछ करने के लिए मिलता रहता है। तो अभी जो अगर आप अंदर रहते हो तो ऐसा लगता है जैसे आप किसी होटल में रह रहे हो। जैसे आप इसकी बालकनीज में रूफ़ में जाते हो तो आपको चीज़ें नज़र आती हैं। ये बोट्स हैं इमरजेंसी में, इन केस कुछ हो, एक्सीडेंट वगैरह हो तो यहाँ से आपको रेस्क्यू किया जा सकता है। आपके साइड पे देखेंगे ये बोट्स वगैरह हैं इन केस। और कहीं पर ऐसा भी होता है कि जैसे पानी कम हो और बड़ा शिप नहीं जा सकता तो आपको जो है इन छोटे छोटी शिप्स से, बोट से आपको जो है ले जाया जाता है। ये पूरा एक शहर है सच में, एक फाइव स्टार होटल समुद्र के ऊपर और उसके बाद ढेर सारे शॉपिंग मॉल, ढेर सारे रेस्टोरेंट। एक छोटा सा शहर है, बड़ी सी अपार्टमेंट है, हर चीज़ मौजूद है। इससे आप चल चल के थक जाओगे। मैंने सुबह चल रहा हूँ, पूरा खत्म नहीं हुआ। डिफरेंट एक्सपीरियंस तो है ही, मज़ेदार भी है। खाने पीने की तमाम चीज़ें मिल जाती है, ढेर सारा खाना। अभी हम जो है थिएटर्स में, आज एक शो है शो गर्ल। काफ़ी अच्छा प्रीव्यू है। अभी हम वेट कर रहे हैं शो को शुरू होने का, देखते हैं हाउ इट इज़। यहाँ बच्चों के लिए एक्चुअली मैं बार बार मेंशन कर रहा हूँ कि यहाँ बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं और मैं खुद नहीं जानता कि क्या क्या है। सुना है, पढ़ा है, लेकिन अब मैं सब चीज़ों को थोड़ी थोड़ी करके इसको मैं देख रहा हूँ कि कौन सी जगह किस जगह पे है। तो फिर कल आराम से हर एक जगह पे उसको इंजॉय करेंगे, रिलैक्स करेंगे। अभी आई एम जस्ट लाइक यू, मुझे कुछ नहीं पता ढंग से। मैं सिर्फ चीज़ों को ढूँढ रहा हूँ, कहाँ पर क्या है, क्या मैं कर सकता हूँ, ये सब फाइंड आउट कर रहा हूँ। और जैसे जैसे मुझ में इंफॉर्मेशन्स होती रहेंगी, मैं 5 सेकंड वीडियो बनाऊँगा जिसमें आपको पूरी डिटेल बताऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर।